नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे एक पार्सल मिला हुआ है और ये पार्सल आया है अमेजन यूएस से। आई पार्सल के थ्रू ये भेजा है उन्होंने और देख सकते हो कि इसके अंदर है सैंडिस्क अल्ट्रा 200 GB माइक्रो एसडी कार्ड, कीमत है $80। तो दोस्तों मेरे पास आ चुका है 200 GB का माइक्रो एसडी कार्ड, अभी तक का सबसे बड़ा माइक्रो एसडी कार्ड। तो आइए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि कैसा है ये जो फिलहाल 200 GB का माइक्रो एसडी कार्ड। भारत में जो इसकी कीमत रखी गई थी वो है 12,000 रुपये, तो फिलहाल ये है 200 GB। वाओ! और ये है उनका बिल। फिलहाल मैं इस पैकेज को रख देता हूँ साइड में। तो ये है सैंडिस माइक्रो एसडी HC UHS-1 कार्ड प्रीमियम एडिशन, टेक बेटर पिक्चर एंड फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, 200 GB स्पीड अप टू 90 MB/s, 600x। वाओ, ये रीडिंग स्पीड होगी शायद। तो साथ में अडेप्टर भी है और यहाँ पर है ये चुटकू सा कार्ड सैंडिस्क का है और पीछे आप इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर इसकी सर्टिफिकेशन लिखी हुई है और यहाँ इसका सीरियल नंबर है। तो दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। तो अनबॉक्स के लिए काटनी पड़ेगी यहाँ से मुझे ये जो लाइन दे रखी है इससे, और फिर निकालना पड़ेगा मुझे बीच में से एसडी कार्ड। तो निकाल लेते हैं इसको बाहर। कुछ और एसेसरीज, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर, साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हो कि ये सील पैक है और यहाँ से लिखा हुआ है ओपन। तो ये ओपन वाला तो मामला मुझे कुछ गड़बड़ी लगा इसका, मुझे तो पसंद नहीं आया। तो सैंडिस वालों थोड़ा चेंज कर लो। ये है इसका अडेप्टर और माइक्रो एसडी कार्ड, ये है माइक्रो एसडी कार्ड। वाओ, स्लिम प्रोफाइल। आइए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको कैसा है ये दिखने में। तो ये है 200 GB माइक्रो एसडी कार्ड UHS-1 10 क्लास का, और यहाँ पर आप इसका सीरियल नंबर देख सकते हो, मेड इन चाइना है ये। और ये है इसका एडेप्टर। तो अब ये बन गया है एसडी कार्ड। तो ये देख सकते हो कि ये है 200 GB का माइक्रो एसडी कार्ड। तो दोस्तों अब मैं इस कार्ड को लगाने जा रहा हूँ अपने फ़ोन पर। तो ये है मेरा सैमसंग गलेक्सी S7H। तो मैं इसमें से निकाल देता हूँ अपना पुराना कार्ड जो कि मैंने कस्टमाइज किया था स्क्रॉन्शियम का, और लगा देता हूँ ये 200 GB का SD कार्ड। और अब डाल के मैं देखते हैं क्या है कंडीशन। तो देख सकते हो कि SD कार्ड तो फिलहाल डिटेक्ट नहीं हुआ है, स्टिल इजेक्टिंग SD कार्ड डोंट रिमूव। तो देख सकते हो कि ये SD कार्ड हो चुका है डिटेक्ट। एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ आपको। एक्सप्लोर करके आप देख सकते हो कि SD कार्ड के कंटेंट तो दिख गए, और साथ ही में सेटिंग में आपको जाकर दिखा देता हूँ कि ये जो SD कार्ड है ये कितने का डिटेक्ट हुआ। इसमें स्टोरेज में देख सकते हो SD कार्ड 183 GB। ओके दोस्तों, 200 GB का कार्ड मतलब कि 183 GB आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो SD कार्ड है ये डिटेक्ट हो चुका है, और फिलहाल जो स्टोरेज दिखा रहा है 183 GB, और ये सैंडिस का कार्ड है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अमेजन से मंगाया है, अमेजन वाले भी जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कह सकते हैं कि 200 GB वाला कार्ड आपके फ़ोन के अंदर 183 GB दिखाएगा। तो दोस्तों ये हो चुकी है 200 GB वाले सैंडिस कार्ड की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। अगर आप इस कार्ड को परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन का परचेजिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंडिया से खरीदते हो तो 12,000 का मिलेगा, बाहर से मंगाते हो तो करीबन 7400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसकी रीड राइट परफॉर्मेंस। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मैं सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस SD कार्ड को चेक करने के लिए, उसमें है i7-4710MQ CPU और 16 GB की रैम है इसमें। और देख सकते हो कि ये SD कार्ड डिटेक्ट हुआ है, 183 GB इसकी टोटल स्टोरेज है। तो आइए एक बार इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिस्टल डिस्क मैनेजर, और आप देख सकते हो कि जो मैं चेक करने वाला हूँ इस समय ये है H, और फिलहाल सब कुछ डिफ़ॉल्ट में है। तो मैं एक बार इसको ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या मिलता है हमें फाइनल स्कोर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि क्रिस्टल डिस्क मार्क हो चुका है कंप्लीट। मैंने 5 इटरेशन रन की थी और 1 GB की वो इटरेशन थी। तो देख सकते हो कि तो सीक्वेंसल जो रीड मिला है वो है 90 MB/s, राइट मिला हुआ है करीबन 19 December 37 MB/s, जो 4K में जो रीड मिला हुआ है वो मिला हुआ है करीबन 5 December 8, और जो राइट मिला हुआ है 1 December 9, और सीक्वेंसल रीड मिला हुआ है करीबन 90,
और जो सीक्वेंशियल राइट मिला हुआ है देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, 60 December 2018, और जो 4K में मिला हुआ है 5.5 MB/s, और जो राइट मिला हुआ है 1.848 MB/s। तो देख सकते हो कि क्रिस्टल डिस्क मार्क ने काफ़ी बढ़िया दिया है, बता रहा है कि ये 90 MB/s की स्पीड से रीड कर सकता है, और राइटिंग स्पीड आप देख सकते हो कि नॉर्मल राइटिंग में करीबन करीबन ये आपको 20 मिल जाएगा, और किसी स्पेशल केस में आप सीक्वेंशली अगर राइट करोगे तो करीबन करीबन आपको 60 MB/s की स्पीड से भी आप इस कार्ड को राइट कर सकते हो। मतलब कि काफ़ी बढ़िया कार्ड है ये परफॉर्मेंस वाइज, और आप इस कार्ड को फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज़ और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।